हाय दोस्त, मैं कुमार एक बार फिर आप लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज आपको एक नया टेक्निक बताने जा रहा हूं ऑनलाइन अर्निंग का। ऑनलाइन अर्निंग का बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मैं एक सबसे अच्छा एंड सटीक टेक्निक आपको लिए ढूंढ कर लाया हूं, और जो आप 5 to 10 मिनट डेली वर्क करके कि आप अच्छा अप्रॉक्स 6,000 to 10,000 आप अर्न कर सकते हैं। दोस्त, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट मैं बोलूंगा कि आप इस जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए। तो दोस्त, अगर आपके पास पैन कार्ड है और बैंक अकाउंट है तो ही आप इस ऑनलाइन चैनल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल नहीं है तो आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन है, कोई फैक्ट नहीं है कि आप मेहनत करते जाएं कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि एक कंपनी लेकर पैसे चले गए, तो ऐसे नहीं है। दोस्त, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और आपका मोबाइल वेरिफिकेशन भी होगा, और आपके पैन कार्ड भी वेरिफिकेशन होगा, और आपके बैंक डिटेल, आपका एड्रेस भी वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्त, देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप टू स्टेप कैसे हम रजिस्टर करते हैं दिए हुए जो मैं बताऊंगा आपको इस चैनल में, और कैसे अर्न करते हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्त, सबसे पहले आप जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त, एक वर्ल्ड वाइड गैप, एक किसी स्टेट, किसी कंट्री, किसी देश में लिमिट नहीं है, ये वर्ल्ड में चल रहा है। कहीं भी आप कहीं मतलब कि इसके अर्निंग का एक दो फंडा नहीं है इसके पास, एक मिनिमम 10 से 20 तरह से अर्न करती है कंपनी, जिसमें से हम लोगों के लिए एक सिंपल सा एक कैशबैक का एक प्रोग्राम लाया है जिससे हम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आप टाइप कीजिए ट्रैफिक मानसून एक चैनल है, ट्रैफिक मानसून आप गूगल पे टाइप करते ही आपको यहाँ दिख गया ट्रैफिक मानसून। ये देखिए दोस्त, एक ट्रैफिक मानसून है जो रेवेन्यू शेयरिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ रजिस्टर का ऑफिस है। तो दोस्त, और जो ऑलरेडी साइन इन हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं, वो तो साइन इन करेंगे। जैसे मैं हो चुका हूँ और मैं अर्न कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, तो मैं साइन इन करूंगा। और अगर जो बंदा नहीं हो चुका है इसमें रजिस्टर, तो उनके लिए सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पे कुछ आपसे डिमांड करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, आप जब ट्रैफिक मानसून लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे क्या आपको यूजर आईडी देना चाहेंगे वहाँ पे आप डाल दीजिए, जो भी देना चाहते हैं, जो भी आपका नाम समथिंग कुछ भी हो वो डाल दीजिए। फर्स्ट नेम आपका जो प्रॉपर नेम हो, जिस नेम से आपका पैन कार्ड बना हुआ और बैंक में अकाउंट खुला हुआ, वही नाम डालें यहाँ पे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ भी सेम डालें, एज इट इज मेंशन ऑन पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल, फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालिए, इसमें ईमेल एड्रेस डालिए और रीटाइप कीजिए ईमेल आईडी, जिससे कोई गलत नहीं हो। अगर आप जीमेल का ईमेल आईडी डालते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि जीमेल गूगल से ही रिलेटेड है, वेबसाइट जो है गूगल से रिलेटेड है, तो जल्दी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दोस्त, यहाँ डाल दिए, ये देखिए यहाँ पे मना भी कर रहा है, डू नॉट यूज हॉटमेल, एमएसएन, आउटलुक, लाइव, एओएल, ईमेल, बिकॉज वॉन्ट रिसीव द एक्टिव ईमेल। तो आपको बोला कि अगर आपके पास हॉटमेल का ईमेल आईडी है तो आप यूज ना करें, क्योंकि और लाइव का है तो रजिस्टर ना करें, और ओला मेल ये सब का है तो आप रजिस्टर ना करें। अगर आपके पास जीमेल का है तो आप जीमेल का यूज कीजिए, सबसे बेटर होगा, क्योंकि जीमेल के लिए तुरंत आपको वेरिफिकेशन नंबर आ जाता है। और दोस्त देखिए, यहाँ पे आप अपना एड्रेस पूरा डिटेल डालिए, जिस कंट्री से बिलोंग करते, पिन कोड, फोन नंबर डालिए, अकाउंट इन्फो, इंटर यूजर नेम, वो यूजर नेम आप जो डिटेल वहां पे डालना चाह रहे हैं, यूजर नाम डालिए जो भी है आपका,
पासवर्ड डाल दीजिए। अब यहाँ पे दो तरह का पासवर्ड, एक डिफाइन और ई टाइप पासवर्ड। यहाँ विड्रॉल, आप जब पैसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो उस समय भी आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो आप यहाँ पे भी डालिए। यहाँ पे दोस्त आपको पासवर्ड बता दूं कि हमेशा जो आप डालिएगा ये, आप अगर कैरेक्टर में ही डालते हैं तो ये रिसीव नहीं करेगा, आप नॉमिनिक में डालते हैं तो रिसीव नहीं करेगा, आप सिंबल डालते हैं तो रिसीव नहीं करेगा, आपको मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स जो भी है, मिक्स जैसे कैरेक्टर, पांच कैरेक्टर डाल दीजिए, पांच क्या बोलते हैं नॉमिनिक डाल दीजिए, एक दो जो सिंबल डाल दिए तो ये ले लेगा। अब ये यहाँ देखिए दोस्त, प्याजो, चूंकि ये पेमेंट जो करता प्याजो और सॉलिड ट्रस्ट पे, ये दोनों से करता। प्याजो एक गेटवे का नाम है, जहां पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे हंड्रेड डॉलर आपको पूरा होगा तो आपको इसमें रजिस्टर करके आप विड्रॉ का ऑप्शन उसमें रहेगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्त प्याजा भी बताऊंगा कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप प्याजा का जो भी ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दीजिएगा, इसमें यूजर आईडी मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है, एक्चुअली दोस्त होता है क्या कि लीगल कंपनी है, इलीगल कंपनी नहीं है कि जो वेरीफाई ना करे। आप दोस्त जब भी लॉग इन करेंगे, आप एक आईपी एड्रेस पे लॉग इन करेंगे तो लॉगिन होता रहेगा, जैसे आप दूसरे आईपी एड्रेस पर लॉगिन होंगे तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे व्हाट इज नेम और बेस्ट फ्रेंड ऑफ चाइल्ड, इस टाइप का तीन चार क्वेश्चन आपसे पूछे। यहाँ पे आपको आंसर पुट करना होगा और सेम क्वेश्चन आपको उस समय पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको आप लॉगिन हो पाएंगे, अगर नहीं देते हैं तो आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, आई अंडरस्टूड, फुली एग्री, आप एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो भी कैप्चर कोड है वो डाल दीजिए और यहाँ प्रोसेस कर दीजिए। अब प्रोसेस करेंगे दोस्त, प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे आने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन आईडी, वेरिफिकेशन के लिए आपके मेल पे चला जाएगा, मेल आईडी पे, और आपके फोन पे एक मैसेज आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो आने के बाद आप डाल दीजिए वेरीफाई ईमेल आईडी और मोबाइल, तो वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे देखिए तो मेरा बना हुआ, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं अपना। आप देखिए यहां पे देखिए दोस्त, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ट्यूरिंग नंबर, आप यूजर आईडी पासवर्ड तो डालना पड़ेगा, साथ में ट्यूरिंग नंबर डालना पड़ेगा अगर सेम आईपी एड्रेस पे लॉगिन करते हैं तो। अब यहां पे देखिए लॉगिन, यहां देखिए दोस्त लॉगिन हो रहा है। अब देखिए दोस्त यहां पे लॉगिन हो गया। अगर आप डिफरेंट आईपी एड्रेस पे लॉगिन होते, चूंकि मैं सेम आईपी एड्रेस पे लॉगिन हुआ हूं, अगर आप डिफरेंट लॉगिन आईडी पे लॉगिन होते तो आपको वहां पे जो आपको बोले सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछता। तो ये देखिए दोस्त लॉगिन होकर के एक नया पेज खुल गया। अब देखिए दोस्त यहां पे मैं डैशबोर्ड में चला जाऊंगा। ये देखिए डैशबोर्ड में आ गए, मेरा डैशबोर्ड। यहां देखिए दोस्त आपको क्या करना होगा, यहां पे आप जैसे यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आ रहा, अगर ये अप्रूव नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, मॉडिफाइंग। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो मॉडिफाइंग होगा, 6-7 दिन 7-8 डेज में आपको वेरीफाई टोटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर के आपके पास सारा डिटेल आ जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ, तो वेरीफाई करने के लिए आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आपने डाल दिया। देखिए यहाँ पे अपलोड फ्रंट गवर्नमेंट इशू आईडी, आपके पास जो भी गवर्नमेंट इशू आईडी है वो अपलोड करने के लिए बोलेगा, जो आप पैन कार्ड कर सकते हैं और बैंक डिटेल कर सकते हैं। सेकंड में भी अपलोड बैंक ऑफ गवर्नमेंट इशू, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं वेरीफाइड यहाँ पे हूँ, ऑलरेडी मेरा अप्रूव हो चुका है कौन, और मैं अर्न कर रहा हूँ। तो और देखिए यहाँ पे एक कैसे मेन इसका अर्निंग का फंडा मैं आपको बताता हूँ कैसे अर्न करते हैं। आपको बस कुछ नहीं, लॉगिन करना, एवरीडे लॉगिन कीजिए, जब भी टाइम मिले 5 मिनट आप लॉगिन कीजिए और कैसे अर्न करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्त ये जो कंपनी है ये
बैकलिंक्स देता आपको, बैकलिंक्स इसलिए देता क्योंकि इन लोगों को ट्रैफिक जनरेट करने का पैसे मिलता। ये जितने कंपनियां हैं ट्रैफिक जनरेट करने का बड़े बड़े वेबसाइट की तरफ से पैसे मिलते हैं, उस पैसे को ये लोग यूज करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी आप ट्रैफिक कन्वर्ट करते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसमें से कुछ परसेंट 0.5% 0.10% ऐसे हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ट्रैफिक कन्वर्ट करने के लिए। तो एक कैशली मेन इनका, हम लोगों को मेन फंडा क्या, हम लोगों को ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, ओनली 5 मिनट एवरी डे लॉग इन होता हूँ। लॉग इन होने के बाद एक कैशलिंक, यहाँ देखिए कैशलिंक आर अवेलेबल फॉर यू, कैशलिंक यहाँ प्रोवाइड करते हैं। कैशलिंक पे क्लिक करना होता, देखिए मैं बताऊंगा कैसे करना होता। यहाँ देखिए दोस्त, मैं अभी 5-6 दिन हो गया, 2 बार लॉग इन किया हूँ, जिसमें से इतना अर्निंग मेरा हो गया। यहाँ पे विड्रॉवल, जितना भी मेरे पास पैसे है विड्रॉवल का ऑप्शन है, मैं विड्रॉवल कर सकता हूँ। तो दोस्त यहाँ देखिए कैसे मेन आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपका यहाँ पे अप्रूव स्टेटस आप देखिएगा, अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हैं, आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्त देखिए यहाँ पे कैसे अर्न करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए क्लिक हियर टू गो कैश लिंक, आप जब भी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इसी तरह से फर्स्ट पेज खुला हुआ दिखेगा। यहाँ देखिए क्लिक हियर टू गो कैश लिंक, ये देखिए दोस्त अभी मेरे पास इतना कैश लिंक आया हुआ, 4 कैश लिंक आया हुआ, मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जैसे ही फिर मैं अपने माई अकाउंट में जाऊंगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ मेरे अकाउंट में कितना शो कर रहा अभी, अभी दोस्त देखिए मेरे अकाउंट में 0.093 इतना रुपया इतना डॉलर शो कर रहा। अब देखिए दोस्त आप 93 इसको रिमेम्बर कर लिए, 93 शो कर रहा। अब देखिए दोस्त मैं जाऊंगा कहाँ, कैश लिंक में जाऊंगा और क्लेम करूंगा, जो मुझे कैश लिंक मिला उस पर क्लेम करूंगा। मैं क्लेम किया, देखिए क्या फंडा होता, आप देखते जाइए गौर से। ये देखिए दोस्त यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा, चलते ही देखिए पूरा हो गया 00। अब जो भी कैप्चर कोड है इसको यहाँ पुट करना होता 007, क्लिक। ये देखिए दोस्त बैक टू माई अकाउंट, अभी मेरे अकाउंट में कितना था, कितना शो हो रहा था 93। अब देखिए दोस्त मैं अपने अकाउंट में देखता हूँ कितना शो कर रहा, ये देखिए 94। तो दोस्त करना क्या है, बस एवरी डे लॉग इन हो, जब भी आपको 2-4 मिनट का टाइम मिले तो आप लॉग इन हो और अपना कैश लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप जनरेट कर लीजिए। देखिए दोस्त मेरे पास और 3 कैश लिंक था, उस पर भी क्लिक करूंगा, 2 बचा कैश लिंक, 1 एक्सपायर हो गया। ये देखिए दोस्त यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे खुला, ये पूरा होगा प्रोसेस, और यहाँ पे जो भी कैप्चर कोड आया उसको मुझे इसमें पुट करना होगा 74 और क्रेडिट, ये देखिए दोस्त थैंक यू योर क्लिक हैज क्रेडिट। अगर एक्सपायर हो जाएगा तो यहाँ लिखेगा योर क्लिक हैज एक्सपायर। तो दोस्त देखिए बैक टू अकाउंट में जाएंगे, अब देखिए दोस्त एक क्लेम, सिर्फ एक क्लेम बचा, फिर माय अकाउंट में जाके चेक करते हैं कितना बचा, कितना हुआ, ये देखिए दोस्त 95। अब फिर जाएंगे कैश क्लिक में, अब देखिए दोस्त सेम, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, करना कुछ नहीं होता, सेम प्रोसेस करना हो तो आप ये देखिए यहाँ गौर कीजिए, ये चल रहा, दोस्त होता क्या है कि आप इसमें इसलिए होता ना कि आप जैसे दूसरे इसके चलते चलते ना आप दूसरा साइड दूसरा काम नहीं कर सकते, दूसरा वर्क नहीं कर सकते डेस्कटॉप पे, भले मोबाइल छेड़ सकते हैं कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पेज ओपन ही रहना चाहिए। आप जैसे ही इस पेज को किसी दूसरे पेज को ओपन करेंगे ये स्टॉप हो जाएगा, इसका ए फंडा
तो ये देखिए दोस्त, जैसे ही पूरा होगा आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां देखिए पूरा होने वाला है। ये देखिए दोस्त, कैप्चर कोड आ गया 4174 और क्लिक। ये देखिए दोस्त, सॉरी एड एक्सपायर, एक्चुअली हम ये बहुत पहले का एड था और हम क्लिक करने में लेट कर दिए, इसलिए ये एक्सपायर हो गया। तो दोस्त आपने देखा कि आप कैसे अर्न करेंगे ऑनलाइन। ये देखिए दोस्त, दो और आ गया, ये देखिए देखिए कैश लिंक में दो और आ गया कैश क्लेम में। और देखिए दोस्त, मैं क्लेम करता हूँ इसको, ओहो लॉग इन लॉग आउट। देखिए दोस्त, दोबारा मैं लॉग इन होता हूँ, सेम प्रोसेस लॉग इन होने के लिए, लॉग इन किए, यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग नंबर, यहाँ देखिए नंबर दिए हुए C3CE4। ओपन होने के समय भी ये ओपन ऐसे होगा, जैसे ही मैं दूसरे पेज को ओपन करूंगा ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे देखिए मैं ओपन किया, ये देखिए दोस्त स्टॉप हो गया है। आप देखिए इसको जैसे ही कर गो टू वॉच, फिर इसके बाद में चलेगा बैक टू डैशबोर्ड और क्लिक हियर टू गो कैश लिंक्स। ये देखिए क्लेम, एक्चुअली दोस्त मैं देखा कि ये काफी जेन्युइनली अर्निंग इनकम है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए 2 से 3 मिनट में आप अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली होता है कि अब जैसे ही आप इसमें ना माहिर हो जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे झट से 2 मिनट 3 मिनट में आपको अर्न हो जाएगा, जो भी है 30-20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 60 रुपीज ऐसे अर्न हो जाएगा। तो आप देखिए 2, 3, 4, ये देखिए ये भी एक्सपायर हो गया। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसे लगा, कैसा लगा? अगर आपको जरूर अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मैं लॉग आउट हो रहा हूँ ये चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।